बचपन विच पिंड दे स्कूल दी कंध ते लिखिया पड़िया सी ओ शाहूकार कादा जिसदा गुआंढी भुखा सौंदा होवे। श्री गुरु नानक देव जी ने भुखे साधुआं नूं भोजन करवाउण लई सच्चा सौदा कीता सी, जिस कारण उन्हां नूं अपने पिता मैता कालू दी डांट भी सुननी पई सी। पर गुरु साहब लई मानवता दी सेवा ही सब तों वड्डा धर्म रहा। गुरु नानक देव जी ने लोगों को किरत करन, नाम जपन अते वंड छकन का संदेश दिता। वंड के छकन दे इस संदेश नू अपना फर्ज समझ भुखियां नू भोजन दे रही है तेईवें जिले मालेरकोटला की संस्था दस्तरखान। दस्तरखान जो संस्था है वह 16 मार्च 2019 नू मुस्लिम फैडरेशन पंजाब दे बैनर तले ही असी शुरू कीती सी। इहदा जिहड़ा शुरू करन दा एक मकसद सीगा वह ये सी कि जिद्दां इस्लाम दे विच दस्या जांदा कि किसी भुखे नू खाना खिलाना सब तो वड्डा सवाब मन्या गया और बिना किसी भेदभाव तो खिदमत खलक करन दा हुक्म है कि सारी दुनिया जिन्नी मखलूकात है इत्थे दुनिया दे विच उहदी तुसीं खिदमत करनी है। इस नज़रिए दे नाल असी ये दस्तरखान शुरू किया सी और जिद्दां कि सिखिज़म दे विच भी चलदा लंगर प्रथा, असी उस चीज़ तो भी काफ़ी इंस्पिरेशन लई है कि मानस की जात सब एको पहचान बो, तां वह भी बिना भेदभाव तो जिद्दां गुरुद्वारा साहब दे विच भी लंगर सर्व किया जाता हर एक बंदे नूं बिना उहदी जात धर्म पुछे। तो मुस्लिम फैडरेशन पंजाब दे बैनर तले असी सोचा कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इत्थे मुसलमाना दी जिहड़ी तादाद है सब तो ज़्यादा है, नवाबी शहर रहा है शुरू तो, क्यों ना एक ऐसा जिद्दां साढ़े सिख ब्रदरस कर रहे ने गुरद्वारा साहब च लंगर की सेवा, तो मुस्लिम्स दे वल्लों भी क्यों ना साडा फर्ज़ बनता है कि अगर असी इत्थे तादाद दे विच ज़्यादा तो असी भी एक ऐसा जो कि साडे धर्म दे विच भी इहदा हुक्म है कि भुखे नूं खाना खिलाना सब तो वड्डा सवाब है। तो यही चीज़ों सोचते हुए असी ये शुरू किया सी। सिविल हॉस्पिटल दे विच जिन्हें मरीज़ डेली और उनादे अटेंडेंट्स जिहड़े उनादे नाल हुंदे ने तो उन्होंने साडे जिहड़े वलंटियर्स बिना थके बिना रुके कोई नेरी कोई तूफान कुछ भी होवे कोई छुट्टी होवे इवन के रमज़ान दे विच तुसीं पता होगा तुहानूं कि जिद्दां 16-16, 17-17 घंटे का रोज़ा भी रहा है। गर्मियां दे विच हुण रोज़े आए सीगे तां खुद ओह भुखे सीगे प्यासे सीगे रोज़े नाल सीगे सुबह तो मरीज़ ते उहनां दे अटेंडेंट सीगे सारिआं नूं ईवन के रमज़ान दे विच वी साडे वलंटियर्स जिहड़े ने ओह खाना उत्थे वंडदे रहे ने। जिहड़े इंचार्ज ने मुहम्मद असकर साहब और उहनां ने पूरी अपनी जिहड़ी टीम एक बनाई हुई है। दस्तरखान वह संस्था है जो हर रोज़ मालेरकोटला दे सरकारी हस्पताल च दूर दुराडे इलाकों तो आए उन्हां लोकां नूं रोटी देण दा काम कर रही है जो अपणियां दी सेहतयाबी लई हस्पताल च आए बैठे ने। तो लगातार ही अल्लाह ताला दे विच खिदमत लै रहा है और पिछे जो कोविड का टाइम आया सीगा उस टाइम SDM ऑफिस दे विचों जिहड़े अपने एक नोडल अफसर अपॉइंट होए सीगे उन्हां वल्लों भी कहा गया सी कि तुसीं अलग अलग एरियाज़ दे विच उत्थे खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, तो असीं उह भी जिम्मेदारी लई सीगी कि डेली 1000 बंदे का जिहड़ा फूड सीगा असीं बनिया होया खाना वैन दे विच ले जा के भी अलग अलग एरियाज़ दे विच दस्तरखान की टीम जाके डिस्ट्रीब्यूट करती रही है और लगातार ही ये काम जारी है और ये काफ़ी सानू जिहड़े लोग जिहड़े समझते हैं इस काम की अहमियत, क्योंकि जिहड़े उत्थे मरीज़ हॉस्पिटल दे विच आउंदे ने ओ ज़्यादातर गरीब तबका आंदा जिहड़े सिविल हॉस्पिटल दे विच
ज़्यादातर इलाज कराने आते हैं, ज़्यादातर दूर दराज पिंडां दे लोग होंदे ने, और जिवें सर्दियां दे विच धुंदां पैंदियां ने तां उहनां नूं खाना लैके आने वास्ते पिंडां दे विच जाना पैंदा सीगा, बहुत दूर जाना पैंदा सीगा। तां सानूं इह सीगा कि घट्टो घट्ट यार आपां इत्थे इहनां नूं इह फैसिलिटी प्रोवाइड करवाईए, भी घट्टो घट्ट उहनां नूं आपां खाना इत्थे ही प्रोवाइड करवा दईए तां इक सवाब दा भी कम, और इन्हां दी हैल्प भी हो जाएगी जिहड़े इत्थे बंदे ने। दस्तरखबान दे नाम ते प्रोग्राम चलदा जी, ये चल रहा साडा 16 मार्च 2019 तो लाके अज तक अलहमदुल्ला। ये साडे टीम मैंबर ने, ये टीम वर्क आ, ना कि किसी एक कल्ले दा कम। और असी ये सिविल हॉस्पिटल च रोज़ाना खाना प्रोवाइड कराने मरीजा नू, दाल चावल रोटी, जिस तरह कि अज कोई कदे कदे हो जाता स्पैशल डिश, जिस तरह अज असी बनाया है कढ़ी चावल प्लस रोटी, और मन नू बड़ा चंगा लगता जदों किसी नू असी खाना बंड के आने हॉस्पिटल दे अंदर, तो उस वक्त ज़्यादा चंगा लगता जदों लोग कहंदे ने भी मियाँ जी थोड़ा खाना बहुत चंगा बनया था, बहुत टेस्टी सीगा। और इत्थे साडे एक फूड बैंक भी चल रहा, तो ब्याह शादियां जो बचा हुआ जिहड़ा खाना है असी लोगों नू अपील भी करते हैं भी वह सानू उरे दे के जान, और साडे इत्थे फ्रिज वगैरह सब रख्या होया है। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस अंसर की शुरुआत करने का तहैया एडवोकेट मुबीन फारूकी वालों किया गया सी, पर उन्हां दी इस नेक सोच नू खंभ दिते उन्हां अनेक लोगों ने जो इस काम लई माली मदद निरस्वार्थ कर रहे ने। जो दस्तरखान की मेरी टीम है तो मैं एप्रीशिएट करदा उन्हां दी एफर्ट नूं कि उन्हां दे जज्बे नूं कि डेली अपना कम कार छड के और उत्थे जाना खिदमत नूं अंजाम देना। तो कई बारी जिहड़े टीम लीडर ने साडे इस टाइम वह कल्ले भी बेचारे रह जांदे ने, तो उत्थों ही किसी बंदे नूं नाल लगा के कि यार थोड़ा जिहा साडे नाल डिस्ट्रीब्यूट करवा दे, तो इस तरीके दे नाल मैनेज करी जा रहे हैं। इस्लामिक हदीस है कि जो तुसी सज्जे हाथ नाल दान कर रहे हो तो खब्बे हाथ नू भी उसका पता ना लगे। सो यही कारण है कि कुछ भले लोग इस संस्था नाल जुड़ हर तरह की मदद कर रहे हैं, अते अपना नाम भी नशर नहीं होंदे रहे।